जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। भारतीय किसान संघ ने जिले के सभी तहसीली के बाहर दिया धरना। जिला कलेक्टर से लेकर कई अधिकारी हो चुके हैं निलंबित। जबलपुर जिले भर में समर्थन मूल्य पर चल रही धान खरीदी में लगातार अनियमितता सामने आ रही है। खुले आसमान के नीचे लाखों क्विंटल धान पड़ी हुई है, पर सूद लेने वाला कोई नहीं, जिसको लेकर किसान संघ ने जिले के सभी तहसील कार्यालय के बाहर आज धरना प्रदर्शन किया और जल्द खरीदी की मांग भी की। संघ की मुख्य मांग यह है कि जिला प्रशासन ने जिन वेयर हाउस को ब्लैक लिस्टेड किया है, उनके बाहर पड़ी किसानों की उपज को खरीदा जाए, साथ ही स्लॉट बुकिंग और खरीदी में आ रही परेशानियों को दूर करने 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया था, उसके बाद भी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हुई और मौसम खराब होने के कारण किसानों की चिंता और बढ़ गई। पाटन तहसील कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे संघ के सदस्यों से एसडीएम मानवेंद्र सिंह ने मुलाकात की और समस्याओं को सुना, पर कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर किसान संघ के सदस्य भर्ता पार्टी बनाने लगे और उनका कहना था कि जब तक मांग पूरी नहीं होती वह ऐसे ही अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे। लेकिन देर रात किसानों ने कलेक्टर के आश्वासन के बाद अपना धरना समाप्त कर दिया। समस्या आज की नहीं है बल्कि पिछले 30 दिनों से चल रही है। जबलपुर जिले में धान की खरीदी जो कि 15 नवंबर से चालू होनी थी, वह 1 दिसंबर को भी जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण नहीं चालू हो पाई। उसके बाद ये होता है भाई, भोपाल वाले को थोड़ी पता इसमें से कौन छुट्टी पे है। भाई देखो, जो व्यवस्थाएं होती हैं ये चलती हैं। 36 या 90 क्षेत्रीय 108 अधिकारियों के ऑर्डर लगे हैं खरीदी प्रभारी को। आइए उनसे ही बात करते हैं, अब जिला प्रशासन से बात करते हैं। मतलब ये नहीं है कि शासन के स्तर से जैसे ही जो भी निर्देश आते हैं हम लोग फॉलो कराते हैं, वो करेंगे। इस मामले में भी मेरी पूरी उम्मीद है कि कल से कार्रवाई की जी। बताएं किन मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? भारतीय किसान संघ की सिर्फ एक ही मांग है, जबलपुर जिले के जितने भी वेयर हाउसों में किसानों की धान रखी हुई है, उस धान को तुरंत से तुरंत जिला प्रशासन तहसील प्रशासन द्वारा तौल कराई जाए। पिछले 15 दिनों से भारतीय किसान संघ और किसानों को यह आश्वस्त किया जा रहा था कि किसानों की धान जिन वेयर हाउसों में रखी वहीं की वहीं तौल कराई जाएगी, लेकिन पिछले 15 दिनों में हमने देखा कि सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी कठोर निर्णय, कोई ऐसी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई जिसकी कारण से किसान की वहां पर तौल प्रारंभ हो। आप देख सकते हैं कि आज 5 जनवरी 2024 को जबलपुर जिले की सभी तहसीलों में भारतीय किसान संघ का धरना प्रदर्शन निरंतर जारी है। आप देख सकते हैं अभी सुबह से लेकर शाम तक इस समय लगभग 4-5 बज रहे हैं और किसान अपनी भोजन की व्यवस्था यहाँ पर बना रहा है और हमें यहाँ पर तहसील प्रशासन द्वारा भी किसी भी तरीके का एक कठोर, मतलब ये कह सकते हैं कि निर्णय भी नहीं बताया गया है कि आगे किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। और यदि जिला प्रशासन तहसील प्रशासन इस पर कोई कठोर कार्रवाई और किसानों के धानों को तत्काल तौल प्रारंभ नहीं कराता है तो आगे यह निरंतर हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। नवीन पटेल, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय किसान संघ, जबलपुर। ये थी आज की खबर। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।